डेढ़ घंटे तक 100 गाड़ियों से पुलिस ने किया पीछा। खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह हुआ गिरफ्तार। नेट बंद, पूरा इलाका पुलिस काफिला में तब्दील। पंजाब के एक थाने में अमृतपाल समर्थकों ने हथियारों से लैस होकर घुसकर हंगामा किया था, हमला कर कई पुलिस वालों को घायल कर दिया था, अपने साथियों को छुड़ाया था, चेतावनी दी थी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी, इंदिरा गांधी वाला हश्र कर देंगे। अब अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। 100 पुलिस ने डेढ़ घंटे तक पीछा किया और फिर अमृतपाल को उसके 6 साथियों के साथ कब्जे में लिया। माहौल न बिगड़े इसके लिए पंजाब में नेट बंद कर दिया गया है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थाने पे हमले कर 6 पुलिस को घायल करने वाला खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह हुआ गिरफ्तार। अमृतपाल सिंह के 6 साथियों को जालंधर के महतपुर इलाके के पास से हिरासत में लिया गया। इस दौरान अमृतपाल खुद पुलिस से बचकर निकल गया। पुलिस ने अमृतपाल का पीछा किया और सूत्रों के अनुसार मोगा जिले से उसे पकड़ लिया गया है। पंजाब पुलिस ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने ट्वीट किया, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। पंजाब पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं और फर्जी समाचार या अभद्र भाषा न फैलाएं। गृह मंत्री को दी थी धमकी। अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। अमृतपाल ने कहा था शाह का हाल भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होगा। 1984 में इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर हमारी कड़ी नजर है। जानिए कौन है अमृतपाल सिंह। खालिस्तानी विचारधारा का समर्थक अमृतपाल सिंह जो 30 साल का है पंजाब में वारिस पंजाब देश संगठन संचालित करता है। ये संगठन एक्टर एक्टिविस्ट दीप सिंधु ने बनाया था। बाद में 15 फरवरी 2022 को दीप सिंधु की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस संगठन की कमान कुछ महीने पहले ही दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह ने संभाली और वो इसका प्रमुख बन गया। अमृतपाल 2012 में दुबई चला गया था, वहाँ उसने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया। उसके ज़्यादातर रिश्तेदार दुबई में रहते हैं। अमृतपाल ने शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की, उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। गुरुद्वारे की कुर्सी और सोफा जलाने से चर्चा में आया था अमृतपाल। अमृतपाल अक्सर अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ पंजाब में काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। अमृतपाल पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब समर्थकों ने जालंधर के मॉडल टाउन गुरुद्वारे की कुर्सियाँ जला दी थी। उन्होंने कहा था वो गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के लिए कुर्सी और सोफा रखने का विरोध करते हैं क्योंकि यह सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। अमृतपाल ने कहा था क्या हम गुरु साहब के बराबर बैठ सकते हैं। सुधीर सूरी हत्याकांड में भी नाम सामने आया था। अमृतपाल जनरल सिंह भिंडरावाले का समर्थक है, उसे खालिस्तानी समर्थक माना जाता है। समानता के कारण उसको भिंडरावाले 2.0 कहा जा रहा है। अमृतपाल का नाम पंजाब के शिवसेना नेता सुधीर सूरी हत्याकांड में भी सामने आया था। भिंडरा वाले से तुलना क्यों। 29 सितंबर 2022 को वारिस पंजाब देश संगठन की पहली वर्षगांठ पर मोगा जिले के रोडे गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी प्रोग्राम में अमृतपाल को संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया। माना जाता है कार्यक्रम स्थल का चयन काफी रणनीतिक था क्योंकि यह जनरल सिंह भिंडरा वाले का पैतृक गाँव है। भिंडरा वाले की तरह अमृतपाल भी नीली पगड़ी पहनता है, अपने सफेद कपड़ों में एक छोटी कृपाण रखता है और भड़काऊ भाषण भी देता है। इससे कट्टरपंथी सिख युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। भिंडरावाले ने एक अलग देश खालिस्तान की मांग की थी, जिसके बाद भारतीय सेना को उसकी हत्या करवानी पड़ी थी, जिस वजह से कट्टर सिखों ने इंदिरा गांधी को गोलियों से भून डाला था।